caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. बात करेंगे गोल्डन रिट्रीवर के बारे में कि अगर आप एक गोल्डन रिट्रीवर पपी लेना चाहते हो तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका गोल्डन रिट्रीवर प्योर ब्रीड है या वो मिक्स ब्रीड है। डॉग है ये, बहुत ही लॉयल डॉग है। मोस्ट पॉपुलर डॉग रैंकिंग में ये नंबर 3rd पोजीशन पे है इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके 4 साइंस की जिसकी वजह से आप इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक प्योर ब्रीड का गोल्डन रिट्रीवर है या ये मिक्स ब्रीड है। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला इसका साइन है वो इसका कोट कलर, 2nd है टेल, 3rd ईयर एंड 4th कोट एंड हेयर। ये 4 वेज हैं जिसकी वजह से आप इसकी प्योरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका साइन है वो है इसका कोट कलर। गोल्डन रिट्रीवर 2 कोट कंडीशन में आता है, फ्लैट कोट रिट्रीवर एंड लॉन्ग कोट गोल्डन रिट्रीवर। और ये 2 कोट कलर में आता है, डार्क गोल्ड एंड दूसरा है गोल्डन की लाइट शेड। तो फ्रेंड्स, ये 2 कोट कलर में ही पाया जाता है और इसके कोट में किसी भी तरह की मार्किंग नहीं होती। अगर आप जो गोल्डन रिट्रीवर पपी ले रहे हैं उसके कोट में किसी भी तरह की मार्किंग है, चाहे वो वाइट कलर की मार्किंग है या वो ब्लैक कलर की मार्किंग है, तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपका पपी गोल्डन रिट्रीवर प्योर ब्रीड नहीं है, वो एक मिक्स ब्रीड का गोल्डन रिट्रीवर पपी है। प्योर ब्रीड में कोई भी मार्किंग नहीं होती। हाँ, इसका जो कलर है, कोट कलर है, वो कहीं से थोड़ा डार्क हो सकता है या कहीं से थोड़ा लाइट हो सकता है, लेकिन उसमें मार्किंग नहीं होनी चाहिए। एंड 2nd है गोल्डन रिट्रीवर की टेल। गोल्डन रिट्रीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2nd बेस की टेल है। गोल्डन रिट्रीवर की टेल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं होती। ये थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन ये कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं होती, ना ही कहीं से कर्ल होती है। और इसकी टेल पे बहुत ही घने बाल होते हैं। अगर आप जो पपी ले रहे हैं उसकी टेल कर्ल है या राउंड शेप में है, तो वो एक मिक्स ब्रीड का गोल्डन रिट्रीवर पपी है, वो प्योर ब्रीड नहीं है। तो दोस्तों, ये है 2nd वे। और 3rd वे है इसके ईयर। गोल्डन रिट्रीवर के ईयर्स जो है वो लैब्राडोर की तरह ही इसके फेस से चिपके हुए होते हैं, ये कहीं से भी उठे हुए नहीं होते। तो अगर आप एक पपी ले रहे हैं उसके ईयर्स फेस से चिपके हुए हैं, तो वो एक प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर है। और इनके ईयर्स पे बहुत ही घने बाल होते हैं, ये भी इनको एक आइडेंटिफाई करने का वे है। तो अगर फ्रेंड्स इसके ईयर्स उठे हुए हैं या वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आप ये जान लीजिए कि वो एक मिक्स ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर है, वो प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर नहीं है। एंड फ्रेंड्स, 4 है इसका कोट एंड हेयर। गोल्डन रिट्रीवर लॉन्ग कोट कंडीशन में इसके पूरी बॉडी में बहुत ही घना कोट होता है। इसकी टेल के पास, इसकी चेस्ट के पास, इसके पैरों के पास ज़्यादा घने बाल होते हैं और इसकी पूरी बॉडी में एक लॉन्ग कोट होता है। इसके हेड को छोड़कर सभी बॉडी पे बहुत ही घना कोट रहता है। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का 4th वे है। फ्रेंड्स, ये थे 4th वे, 4 वे जो आप प्योरिटी चेक कर सकते हो गोल्डन रिट्रीवर की, जिसमें कोट कलर है, ये एक ही कोट कलर में आता है, और इसके ईयर जो हैं वो फेस से चिपके हुए रहते हैं, इसकी टेल है वो स्ट्रेट होती है और इसका लॉन्ग कोट होता है। तो अगर ये 4 साइंस आपको आपके पपी में नज़र आ रहे हैं, तो वो एक प्योर ब्रीड है। अगर आपको इन 4 साइंस में एक भी साइन आपके पपी में नज़र नहीं आ रहा है, तो वो एक मिक्स ब्रीड पपी हो सकता है। तो दोस्तों, ये है इसको आइडेंटिफाई करने के वेज जिसकी वजह से आप ये पहचान सकते हो कि आपका पपी प्योर ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर है या वो मिक्स ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, आपके लाइक के वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड शेयर कीजिए हमारी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।